ये भव्य पंडाल, ये हजारों दुल्हा दुल्हन, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, सभी धर्मों की बेटियों का विवाह और आशीर्वाद देते हुए योगी जी। ये नजारा है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का। हर तरफ चहल पहल, खुशी का माहौल। जब किसी के घर में शादी होती है तो उत्सव का माहौल हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि जहां 2600 लोगों की एक साथ शादी हो रही हो, वहां का माहौल कैसा होगा। कहीं धूम, कहीं मस्ती, कहीं शहनाई, तो कहीं भावनाओं का ज्वार। और इन सबके बीच मुरादाबाद में रचा गया एक अनोखा रिकॉर्ड, जहां 2600 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई गई। सभी धर्मों की बेटियों का यहां सामूहिक विवाह कराया गया। देश में पहली बार इतना भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सरकार की श्रमिक वर्ग के लिए शुरू की गई श्रमिक विवाह योजना के तहत इस सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें एक कन्या के विवाह पर सरकार 75,000 रुपए देती है। इस सामूहिक विवाह में खुद आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हितार्थ लगभग 16-17 कल्याणकारी योजनाएं चला करके उनको विकास की मुख्य धारा में खड़ा किए जाने का प्रयास है। उन्हीं योजनाओं में से श्रमिक पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत आज भव्य सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आपके मुरादाबाद में रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सहित अनेक कैबिनेट के मंत्रीगण इन वरवधुओं को आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ आज देश का सबसे विशालतम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम मुरादाबाद में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 2600 से भी ज्यादा वरवधु दाम्पत्य सूत्र में बंधकर के अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी वरवधुओं को आशीर्वाद देता हूं, और साथ ही साथ श्रमिकों के लिए जो तोहफा योगी की सरकार, मोदी की सरकार लगातार देती जा रही है, उसी तोहफे में आज ये भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें एक श्रमिक पुत्री पर 75,000 रुपया खर्च हो रहा है, 65,000 रुपया कन्या के पिता के खाते में जाएगा, 10,000 रुपए में 5,000 रुपया कन्या के लिए परिधान के लिए और 5,000 रुपया दूल्हे के परिधान के लिए सुनिश्चित किया गया है। विवाह में जितने रस्म रिवाज होते हैं उसमें घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार ही इन शादियों में शामिल हो रही है। जाहिर है ये मौका हजारों लोगों के लिए उत्सव में बदल गया। सरकार की इस योजना से नवविवाहित जोड़े के चेहरे भी खुशी के मारे खिल उठे और पूरे रीति रिवाज से सामूहिक शादी का आयोजन किया गया। सरकार ये बढ़िया काम कर रही है, जो मतलब लाचार मजबूर है उनके लिए बढ़िया काम है, सरकार सुविधा दे रही है, अच्छा लग रहा है। श्रमिक वर्ग और देश की बेटियों के लिए सरकार का ये कदम निश्चित तौर पर सराहनीय है। ना केवल इससे गरीब बेटियों के माँ बाप पर आर्थिक बोझ कम होता है, बल्कि उनकी बेटियों के लिए एक अच्छे जीवन साथी की खोज भी खत्म हो जाती है।